नमस्कार, अन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आज आप सोच रहे होंगे ये बुलेटिन जंगल के बीच से क्यों किया जा रहा है। ये बुलेटिन हम जंगल के बीच से आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि इस लॉकडाउन में कितना कुछ बदल गया है। जहाँ सामान्य तौर पर जिंदगी चला करती थी तो पेड़ों को काटाया जाया करता था, आसमान में प्रदूषण दिखाई देता था, एयर क्वालिटी इंडेक्स बताता था कि इस तरीके से हवा प्रदूषित हो चुकी है, और आज जब लॉकडाउन है तो तमाम तरह की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। जंगली जानवर सड़कों पर आ गए हैं। इसके अलावा अगर आसमान की बात की जाए तो आसमान भी साफ नज़र आ रहा है, और इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। पॉलिटिकल एडिटर संजीव कुमार मिश्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, देखा जाए तो प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है, और इस वक्त जब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ तब भी एक पक्षी पीछे से चोंच मार रहा है और अपनी आवाज़ से कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। नहीं लगता कि ये लॉकडाउन प्रकृति के लिए बहुत अच्छा संकेत लेकर आया है, बहुत अच्छा समय लेकर आया है? जी नकुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये लॉकडाउन से चिड़ियों की चहचहाहट आपको सुनने को मिल रही है, जो कि शहरों में आजकल विलुप्त हो चुका है। इस तरह का दृश्य, इस तरह की आवाज़ें, और आपने जैसा कहा कि आसमान साफ हो गया है, जो लोग चांद और तारों को नहीं देख पाते होंगे आजकल उन्हें चांद और तारे दोनों ही बहुत स्पष्ट दिख रहे होंगे। हवा स्वच्छ हो गई है, पानी साफ हो गया है, बहुत सारे सकारात्मक पहलू लॉकडाउन के उभर कर आए हैं। अच्छा, अगर बात की जाए आसमान की, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरीके से खराब हो रहा था दिल्ली का, प्रदूषण बढ़ रहा था, और अब प्रदूषण का जो स्तर है वो बिल्कुल कम हो गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो आसमान भी साफ दिखाई दे रहा है। क्या मायने निकाले जाए, क्या हम इंसानों ने इतनी हद कर दी थी कि जो जानवर थे, जो प्रकृति थी, हम उसके साथ लगातार अपने विकास के लिए खेलते चले जा रहे थे? जी, लॉकडाउन के बाद सारे कल कारखाने बंद हो गए हैं, या यूं कहिए कि उस पर ताले लगा दिए गए, और जिससे और साथ में गाड़ियां बंद हो गई हैं, लोगों के घरों में गाड़ी लगी हुई है, पेट्रोल डीजल का कोई काम नहीं हो रहा है, और इसका सीधा असर पर्यावरण पे हुआ। पर्यावरण पे होने के साथ साथ हवा साफ हो गई है, स्वच्छ हो गई है, साथ ही आप देख रहे हैं कि आसमान की बात हमने पहले की है, आसमान बहुत साफ स्पष्ट है, आपको ध्वनि प्रदूषण कम हो रहा है, तो इन सब तरह की चीज़ों से बहुत फायदा हुआ है। और यूँ कहें कि लोग जिनको सांस लेने में तकलीफ होती थी, अगर वो अपने बालकनी में भी आते होंगे उन्हें सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही आजकल, तो इसे सकारात्मक पहलू हम देख सकते हैं। चलिए, अब एक आखिरी सवाल संजीव आपसे पूछना चाहूँगा। जब ये लॉकडाउन खुलेगा, जब जीवन उसी तरीके से चलने लगेगा जिस तरीके से चला करता था, तब हालात फिर वैसे ही हो जाने हैं, क्या इंसान इस लॉकडाउन के खुलने के बाद पशु पक्षियों के बारे में, प्रकृति के बारे में कुछ सोचेगा? देखिए, जीवन की जो आपाधापी है इसमें सोच पाना सामान्यतया संभव तो नहीं है, लेकिन सोचना चाहिए। कोरोना काल के बाद जब भी लॉकडाउन का मूल्यांकन किया जाएगा तो ओजोन परत में सुधार, हवाओं में स्वच्छता, नदियों का जल साफ होना और जल प्रवाहित होना, प्रवाह जल के प्रवाह में लगातार बने रहना, ये चीज़ें रेखांकित की जाएंगी, और वैज्ञानिकों द्वारा इस पर शोध नज़रें टिकाई हुई हैं, इसके बाद शोध किया जाएगा, और ऐसा भी मुमकिन है, एन भारत की तरफ से मैं ये बात कह रहा हूँ कि ऐसा भी मुमकिन है कि दुनिया के वैज्ञानिक, दुनिया के तमाम लोग इकट्ठा होकर इस पर एक ऐसी सहमति बनाएंगे कि एक स्वैच्छिक लॉकडाउन पूरी दुनिया में एक साथ कम से कम 2 महीने के लिए किया जाए, जिससे कि देश और दुनिया की जो पर्यावरण है उसे सुधारा जा सके, संवारा जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप संजीव कुमार मिश्र को सुन रहे थे, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे। तमाम मुद्दों पर बात चल रही थी, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आज जब लॉकडाउन हुआ है पूरे देश में, सब कुछ बंद है, कारखाने बंद हैं, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, तो ऐसे में आसमान साफ है, पशु पक्षी निकल कर सड़कों पर आ रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि हमारे लिए कितना सुरक्षित माहौल है। यानी आप समझिए कि हम इंसानों ने इस धरती को पशु पक्षियों के लिए, प्रकृति के लिए कितना दुखद बना दिया है कि आज जब हम इंसान घरों में बैठे हैं तब वो पशु पक्षी सड़कों पर आ रहे हैं, उन जगहों पर आ रहे हैं जहां पर कभी जंगल हुआ करता था। और एन भारत के ज़रिए मैं भी आपसे यही अपील करूंगा
कि इस प्रकृति के लिए अगर हम वाकई कुछ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, क्योंकि आज हिंदुस्तान या ये पूरी दुनिया जो कुछ भी है, जो कुछ भी संसाधन उसके पास हैं, जो कुछ भी तरक्की उसके पास है, वो इसी प्रकृति की देन है। अगर इस प्रकृति के साथ हम मजाक करते रहे तो ये मजाक एक दिन इंसानियत को बहुत भारी पड़ने वाला है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए एन भारत। जय हिंद।